मैं जब सुनांगे तो महाराज कहते सुन के कमावांगे ते जीवन का आधार है मन रखी है भाओ। महाराज कहते भाई पहले कन्ना ना सुन उन्हों जीवन के उपदेशों जीवन च कमा ता तेरी जीवन का आधार होगा। असी सतगुरु की बाणी पहले सुनना है सुन के उन्हों बचना अपने जीवन च कमाना भी है। हुण बचन सतगुरु ने की किया है पावन बाणी का शब्द क्योंकि वेखो समा इतना नहीं महाराज की पावन बाणी कहती साल गरा जा रही है बिप पूज मनाव। हुण गुरु पातशाह जी ने एक उदाहरण दिती है पर किते भी गुरु जिहड़े लोग बहमा भरमा विच पै के धर्मी हो गया पर सतगुरु ने उन्हां दे बहमा भरमा नूं सामने रख के दसता कि ये भाई रब की पूजा नहीं जिहड़ी तू कह रहा कि मैं धर्म के काम निभा रहा। इस शब्द विच भी सतगुरु ने समझाना किया सी एक ब्राह्मण नूं संबोधन करके नाम बिप पूज मनावो। इस शब्द की व्याख्या करदे होया सतगुरु ने सानू साडी झोली विच ये उपदेश ये ज्ञान पाण पा दिता कि तू पूजा किवें करनी है जे रब की पूजा पर कभी समझ का जतन किया कि रब की पूजा की है ते रब की पूजा करनी किवें है। सतगुरु ने संबोधन जो पाथर को कहते देव तां की विरथा होवी सेव जो पाथर की काला जाई जाए हुंदे ने। सतगुरु ने कहा पता कौन हे ब्राह्मण कदी तू समझन दा जतन कीता कि रब दी पूजा की पूजा करदा है। सतगुरु ने संबोधन करके किया पर इस उपदेश साडे सारे लिए सांझा है सतगुरु जी समझा रहे हैं ते रबे करनी है। कहंदे भाई तू उस नबी विच किसान उनका साथ सहयोग जिसका जिक्र बाबा नानक जी ने किया सच्चा सौदा यही ईमान यही सच्चाई यही भाईचारा जो पैगाम उन्होंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल सदगुरु बाबा नानक देव जी इस पृथ्वी पर एक अवतार बहुत बड़े अवतार आज उनके प्रकाश पर्व पर सारी दुनिया को बहुत बहुत बधाई अनंत मंगल।